ललन सिंह के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से बिहार में सियासी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन अब जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकली एक तस्वीर ने यूपी के सियासी गलियारों में भी उथल पुथल मचा दी है। ये तस्वीर इशारा कर रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनता दल यूनाइटेड यूपी की एक सीट पर दावेदारी पेश करने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जेडीयू ने भी आगामी चुनाव के लिहाज से कई बदलाव किए हैं। पार्टी की कमान अब ललन सिंह की जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। इसका फैसला दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे जेडीयू के यूपी में चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान ये चर्चा थम सी गई है। हालांकि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरों पर नजर डालें, तो जेडीयू एक सीट पर यूपी में अपना दावा कर सकती है। इस बैठक में यूपी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह भी नजर आए। ऐसे में अब चर्चा है कि क्या जेडीयू यूपी की एक सीट इंडिया गठबंधन से उनके लिए मांगेगी। जेडीयू ने बीते दिन यूपी विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तब पार्टी ने जौनपुर के मल्हनी से बाहुबली धनंजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि धनंजय सिंह को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन धनंजय सिंह ही पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार हुए जिन्होंने अपनी जमानत बचा ली, जबकि अन्य कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाया था। धनंजय सिंह दो बार विधायक और एक बार जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं। ये बात अलग है कि बीते कुछ चुनावों के दौरान उनका करिश्मा नहीं चला है, लेकिन धनंजय का जादू कभी भी चल सकता है। जेडीयू को इस बात की उम्मीद है। यही वजह है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू इंडिया गठबंधन से धनंजय सिंह के लिए जौनपुर सीट पर दावा ठोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।